नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। महामिलावटी कर रहे हैं बुआ तो बुआ, जनता कह रही है अब बहुत हुआ। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को भारत माता की जय बोलने से दिक्कत होती है, वो मुझे गाली देते हैं। नामदार गाली से शुरुआत करते हैं, आप बताएं देश गाली भक्ति से चलेगा या राष्ट्रभक्ति से। पीएम मोदी ने कहा कि मैं शहीद अफसर धर्मेंद्र चौहान को नमन करता हूँ। एक तरफ तो धर्मेंद्र ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने नौसेना के युद्ध पोत को पिकनिक मनाने के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस मध्य वर्ग को लालची कहती है, उस पर टैक्स लगाने की बात करती है। ये महामिलावटी लोग कह रहे हैं हुआ तो हुआ, जनता कह रही है अब बहुत हुआ। इनफ इज इनफ। पीएम मोदी ने वोट नहीं डालने के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह के बारे में कहा कि इनका अहंकार, मैं खुद अहमदाबाद वोट डालने गया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कतार में खड़े थे लेकिन दिग्गी राज वोट डालने नहीं गए। अगर प्रत्याशी पसंद नहीं था तो ऐसे ही चले जाते, लेकिन आप तो वहाँ की जनता से इतना डर गए कि गए ही नहीं। आप तो जाकिर नाइक से भी नहीं डरते हो। अलवर गैंगरेप मामले पर डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं पीएम मोदी। मायावती, अलवर में हुए गैंगरेप मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान पीसीपी सुप्रीम मायावती पर निशाना साधा। इसके बाद मायावती ने सोमवार को पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि इस पर डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को इसका फायदा हो, यह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जब वह राजनीतिक फायदे के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं, तब दूसरे की पत्नी और बहन की इज्जत कैसे कर सकते। मायावती ने कहा कि मुझे तो ये भी मालूम चला है कि बीजेपी में खासकर विवाहित महिलाएं अपने आदमियों को श्री मोदी के नजदीक जाते देखकर ये सोचकर भी काफी ज्यादा घबराती है कि कहीं ये मोदी अपनी औरत की तरह हमें भी अपने पति से अलग न करवा दे। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कुशीनगर में रविवार को एक चुनावी रैली में कहा था कि मायावती अलवर गैंगरेप कांड पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। अगर उन्हें इस घटना से तकलीफ है तो वह राजस्थान की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेती। मायावती ने शनिवार को कहा था कि अलवर में हुई शर्मनाक घटना न सिर्फ दलितों बल्कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मामला है, लिहाजा इस घटना के अभियुक्तों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। महिला की 56 बार चाकू से वार कर पति ने की थी हत्या। जिनमें बीते साल क्रिसमस पर एक भारतीय मूल की महिला की उसके पति ने हत्या कर दी थी। अब आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लॉरेंस ब्रांड ने अपनी 41 वर्षीय पत्नी एंजेला मित्तल की रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू से हत्या कर दी थी। शुक्रवार को रीडिंग क्राउन कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। एंजेला के गले और सीने पर 59 बार चाकू से वार किया गया था जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सजा सुनाते समय जज हैदर रॉटन ने आरोपी से कहा, तुमने अपनी पत्नी को चाकू से मारा, तुम्हारा हमला बेहद क्रूर था, तुमने अपनी पत्नी पर 59 बार चाकू से वार किया, उस दौरान एक चाकू टूट भी गया, तुम फिर भी नहीं रुके, कमरे से बाहर निकल रसोई में गए और एक और चाकू लेकर आ गए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि फॉरेंसिक सबूतों से पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी, उसे बेहद डर और दर्द का सामना करना पड़ा। मामले से जुड़े जांचकर्ता ने कहा कि महिला को जहां सबसे सुरक्षित महसूस होना चाहिए उसी स्थान पर उस पर हमला किया गया। आरोपी ने आपातकाल नंबर पर फोन करने से पहले घटना वाले स्थल की सफाई की, उसने एम्बुलेंस के बजाय पुलिस को फोन किया। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।